है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरी सिस्टर का है, और इसकी वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है इस वजह से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वॉयलिन शेयर करूंगी। आप कह रहे होंगे ये क्या है, इनका तो चैनल अजीब है, लेकिन ये क्या शेयर कर रही है। तो गाइस, हमारा चैनल ऐसी मिक्स एंड मैच है, तो मुझे ऐसी इसके ऊपर ऐसी पैकेजिंग में बाहर से ऐसी पैकेजिंग थी और अंदर से मुझे ऐसा इस केस में मुझे रिसीव हुआ था। पहले मैं वॉयलिन दिखाने से पहले आपको बता देती हूँ मैंने इसे कहाँ से परचेज किया है। तो गाइस, मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया है और ये मेरी सिस्टर का एक ड्रीम था, और जब उसको मैं दिया तो वो बोल रही मेरा एक ड्रीम कंप्लीट हो गया। और ये इसका प्राइस मैं लगा दूंगी मुझे कितने में ये पड़ा है, और इसका ओरिजिनल प्राइस मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगी। ओके, तो गाइस ये देखिए ऐसा कवर है ना, तो आपको ये खोलना पड़ेगा, फिर ये जिप दिखाती हूँ। तो गाइस, वॉयलिन बहुत सारी ब्रांड की आते हैं, और ये मेरा वाला जो वॉयलिन है ये हैंडमेड है, और चाइना कंपनी के भी आते हैं, और हैंडमेड ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनकी साउंड बहुत अच्छी निकलती है इस वजह से। ये अंदर से ऐसा है। इसके साइड में छोटा सा बॉक्स है, वहां पे आपको रोजिन रिसीव होगी, ठीक है, और बो, इसको हम बो बोलते हैं। ये हॉर्स की पूंछ से बना होता है, पता नहीं, हॉर्स के हेयर से बना होता है, और ये यहाँ से टाइट भी हो सकता है, ठीक है, ये बो है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, ये है हमारा वॉयलिन। तो ये वॉयलिन का प्राइस मैं ओरिजिनल यहाँ पर स्क्रीन पे लगा दूंगी, और ये हैंडमेड वॉयलिन है, ये प्योर वुडन का है, और इसमें शाइनिंग नहीं है क्योंकि हैंडमेड में होती नहीं है इस वजह से, और ये यहाँ से ये टाइट होता है, और इसको फिंगरबोर्ड कहते हैं, और इसको ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, और इसको बहुत संभाल के चलाना होता है। अगर हमने यहाँ से ज्यादा टाइट कर दिया तो इसके ये हेयर टूट जाएंगे, इसके स्ट्रिंग इस वजह से, और ये आपको सेट करा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, ये अलग से आता है, इसी के साथ आता है बॉक्स के, पर आपको खुद फिक्स करना पड़ता है। और ये GDAE है, और इसको आप ऐप के अकॉर्डिंग ऐप से तभी इसकी ट्विन को सेट कर पाएंगे। ओके, तो मैं आपको पहली वाली ट्विन बजा के दिखाती हूँ, ई वाली है, ठीक है, अभी पता नहीं ये सेट है या नहीं, आपको हर तीसरे दिन इसकी ट्विन सेट करनी पड़ेगी क्योंकि आप फिंगरबोर्ड का यूज करते हैं तो स्क्रूज यहाँ से ढीले हो जाते हैं, इस वजह से हर सॉन्ग के लिए अलग अलग ट्विन आपको फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक जाऊंगी, तो अभी इसको आए हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ है इस वजह से, और मेरी सिस्टर को ये आता है, उसने टाइटैनिक की ट्विन सीख ली है और मैंने सीखी नहीं है, और मैं तेरी मिट्टी पे सॉन्ग तो फिर मैं अपने YouTube चैनल पे शेयर करूंगी। और मेरे भाई ने कौन सी वाली ट्विन सीखी है, फेको लव की सीखी है BTS के, और ये बहुत अच्छा है वॉयलिन, और टैलेंट के लिए तो ये सब कुछ भी नहीं है क्योंकि यही एज है कि हम अपने टैलेंट के लिए इन्वेस्ट करें और फिर क्या खुश रहें। और अगर आपको ये वॉयलिन अच्छा लग रहा है तो आप भी परचेज कर सकते हैं, और मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और ये काफी ज्यादा अच्छा है, आपको इसके साथ बहुत ज्यादा हमारी वीडियो मिलेंगी। और अगर मेरी सिस्टर ने पिछली समर में उसने कोरियन लेसन सिखाए थे, अभी वो वॉयलिन सीख रही है, अगर उसको अच्छे से आ गया तो वो वॉयलिन के भी लेसन डाला करेगी। ओके, तो आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंटिल देन, बाय।